एंड अस्सलामुअलैकुम। फाइनली बैक टू अनदर ब्लॉग। अगर तुम लोगों ने देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मुझे लगा दीवार से आगे होके पड़ा हुआ ठीक है, तो मैं उसके साथ टैग लगा के बैठने लगा। मुझे नहीं पता था कि दीवार से आगे, वो जैसे टैग लगाई है दीवार में जाके लगाए और शुक्र है उसके ऊपर जाके मैं गिरूँ आ भी गया। ये इन लोगों के ना खेलने का टाइम है। ओए मुझे व्लॉग बनाने दो। गायब हो गए। सही यकीन करो जब भी कोई वीडियो वगैरह बनाओ ना तो यहाँ तो भाई वो आ जाएगा, आलू ले लो, प्याज ले लो, या फिर कोई और। ये बच्चे शैतान सोने नहीं देते, क्या करे बंदा यार। नहीं शैतान ही अच्छे बच्चे होते हैं। हम भी बचपन में ऐसे करते थे। अगर हम इनको शैतान कह रहे हैं ना तो बचपन में हम भी फिर शैतान ही थे इसका मतलब, लेकिन हम शैतान ही थे। तो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं। कल मैंने तुम लोगों को बताया था कल हम करवा रहे हैं ब्लड टेस्ट और वो करो कल। हाँ ये कर लो पहले। कल के व्लॉग में करवा लिया था, उसकी रिपोर्ट आ जानी थी। आज चलते हैं, रिपोर्ट पकड़ते हैं, आज हो चले। मोटरसाइकिल ना पहले से ही बाइक खड़ा हुआ है और ये तो तुम लोगों को ना नज़र आ ही रहे होगा, है ना। अभी सही आएगा अभी। ये ना बहुत लंबी दास्तान है। अजान शुरू होने वाली है, जब भी वीडियो बनाओ या तो मोटरसाइकिल आ जाएगा, बच्चे शोर करेंगे, अब अजान शुरू होने वाली है। एक मिनट प्लीज़ एक मिनट। ये ना अगर तुम लोगों को ना आइडिया हो ना कि क्यों डंड पड़ा, और वो भी ना दरमियाने पड़ा। देखो डेंट पड़ना ही है, अभी दो मिनट के लिए वो खामोश हो गए हैं, तो यहाँ पर ही क्यों। अगर मोटरसाइकिल भी गिर हो फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे डेंट पड़े, यहाँ पे पड़े, कहीं और पड़े, बात तो सही है। इसके दरमियान में क्यों। बाकी तुम लोग मुझे बताना कमेंट में अगर तुम लोगों को पता लगा हुआ तो। मिलते हैं तुम लोगों को थोड़ी देर बाद। 5 minutes later। सेम लोकेशन, सेम क्लोथ, सेम बंदा, और बाकी ये थी मेरी स्लिप जैसे मुझे मिलनी है रिपोर्ट वगैरह। तो अभी जाते हैं और इनसे ना रिपोर्ट लेते हैं और फिर रिपोर्ट वगैरह मैं ले आया हूँ घर। और यार यहाँ पे भी मैं सोता हूँ, नमाज वगैरह अदा करनी है। मिलते हैं तुम लोगों को सुबह इंशाल्लाह ताला। सुबह मिलते हैं तुम लोगों को। The next day. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, बैक विद अदर डे। सुबह के बज रहे हैं 8:15 और वो अल्हम्दुलिल्लाह दुकान पे तुम्हारा भाई सारों से पहले, नहीं मेरे से पहले मेरा कजन आया हुआ था। पहुंच चुका है वैसे, और कभी हम रमज़ान में तकरीबन 9:30 बजे पहुँचते हैं। पापा ने कहा था अगर तुम कल 8 बजे तक पहुँचे तो 1 बजे तक छुट्टी मिल जाएगी, तो अगर 9 बजे मैं आता हूँ तो असर के बाद यानी 6 बजे तक मुझे छुट्टी मिलती है, ठीक है। और आज 1 बजे तुम्हारा भाई छुट्टी करके चला जाएगा, घर जाएंगे, टीटो पार्टियाँ शाटियाँ लगाएंगे, शुगर मेला लगाएंगे। इसलिए जल्दी आ गया था मोटरसाइकिल पर, लेकिन इसने ना इसका जो काम कराया था ना कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यकीन करो। इसने रास्ते में इतना तंग किया ना, बंद हो रहा था और मुझे डर था कहीं है ना फिर से खराब हो जाए और फिर से मुझे रास्ते में से इसे पैदल निकल लगा के लेके आना पड़ेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बंद एक दफ़ा हुआ था, मुझे लगा स्टार्ट ही नहीं होगा, लेकिन फिर स्टार्ट हो गया था। अभी दुकान पे पहुंच चुके हैं, चलते हैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं और फिर 1 बजे घर जा के तुम लोगों को मिलते हैं। चाबी पकड़ ली, गाड़ी निकालनी है मैंने। फ्लैशबैक, गाड़ी निकालनी है मैंने। इंसान करे तो करे क्या, एक तो इन लोगों के साथ ना अच्छाई करो, गाड़ी अंदर लगाओ, ऊपर से इसमें ना चोर सूच लगा हुआ है जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही, धक्का लगा के बाइक निकालना पड़ रहा है यार, क्या है यार क्या? अच्छा तो पब्लिक इसका ना चोर सूच मिल गया है। ये सारी हाथ की गेम है भाई साहब। एक हाथ चाबी को रखना पड़ेगा चाबी के बिल्कुल कॉर्नर पे और एक हाथ ना उसके ऊपर रखना पड़ेगा, तब जाके दोनों का आपस में जो सेंसर होगा वो कनेक्ट होगा और फिर आके यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट होगी। लेकिन मैंने इससे पूछा यार हम सुबह जल्दी आ जाते हैं तो मैं बता दो चोर सूच कहाँ पे है, बाकी कल को खुद स्टार्ट करनी पड़ जाती है। बाकी कोई नहीं, अभी चोर सूच का भी पता लग गया और मैंने कहा आप लोगों को भी बता ही दूँ। 346 minutes later. पुलिस स्टेशन पे आए थे, फैमिली को छोड़ना था, बाकी अभी चलते हैं घर। दुकान से मैं जल्दी आ गया था लेकिन रास्ते में ना बहुत ज़्यादा देर हो गई है, 6 बज गए हैं, अब पता नहीं अफ्तारी हमारी रास्ते में होगी। 6 बजे तो पहुँचा
या फिर घर जाके होगी, लेकिन ये कोशिश करेंगे घर जाके ही हो। बाकी मिलते हैं तुम लोगों को इफ्तारी के बाद। बाय बाय यार, इफ्तारी का टाइम हो गया और ये जा रहा है उधर, गाड़ी खड़ी करते जाते हैं, इफ्तारी इशारे करते हैं। अच्छा या मरहबा।